Hello everyone, let's start with question number 3 of exercise 7.2. So it says you are told that 1331 is a perfect cube. ये जो number हमें दिया हुआ है ये perfect cube है. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube roots of 4913, 12167 and 32768. तो सबसे पहले तो 1331 का करना सीखते हैं. स्टार्ट करो. स्टेप 1 होता है कि आपने मार्क करना है इनको 3-3 के पेयर्स पे. अगर पीछे से स्टार्ट करना है 3-3 के पेयर्स बनाओ तो एक पेयर आपका बन गया 3-3-1 और एक साइड पे आपका पेयर बन गया ओनली 1. ठीक है, तो दो की पेयरिंग हो गई हमारे पास 3-3-1 एंड 1 की. अब आपने क्या करना है, जो पीछे वाला नंबर है उसको लेना है दैट इज 3-3-1. अब 3-3-1 का वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? वंस प्लेस मतलब सबसे पीछे वाला. सो वंस प्लेस इज 1 ओनली. नाउ वी टेक द वंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट एज 1. क्योंकि देखो यार यहाँ पे ये एंड किससे हो रहा है? 1 से. और क्यूब कब होता है? 1 का. 1 का क्यूब की एंडिंग क्या होती है? 1 ही होती है. इसका मतलब जो हमारा पीछे वाला नंबर होगा वो क्या होगा? 1 होगा. जब इसका आप क्यूब रूट निकालोगे दैट विल बी 1. अब आती है बारी आपकी 1 पे. ये जो 1 है जो हमारा फर्स्ट पेयर था 1 का उसकी बारी आती है. अब हमें देखना है कि ये किसके क्यूब में लाई करता है. तो 1 क्यूब क्या होता है हमारा? 1. और 2 क्यूब क्या होता है हमारा? 8. तो ये लाई किसके बीच में कर रहा है? 1 और 8 के बीच में. अब आपने क्या करना है, 1 और 2 में से छोटा नंबर देखना है. सो 1 और 2 में छोटा नंबर कौन सा है? 1 है. इसका मतलब 11 cube और 11 is the cube root of 1331. अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट वाला 4913. सबसे पहले पेयरिंग 913 की, then we have 4. अब आपके पास दो पेयर आ रहे हैं, एक आ रहा है 4, दूसरा आ रहा है 913. अब 913 जो एंडिंग है 3 की है. वंस प्लेस पे कौन है? 3 है. अब ये सोचो कि ऐसा कौन सा क्यूब होता है जिसकी एंडिंग 3 से होती है. तो हमारा 7 का क्यूब होता है 343. तो यहाँ पे एंडिंग किससे हो रही है? 3 से. इसका मतलब जो हमारी लास्ट प्लेस पे क्यूब रूट होगा वो हमारा किससे एंड होगा? 7. ठीक है, इतना समझ आया. अब उसके बाद आता है आपका ये वाला नंबर 4. अब 4 किसके बीच में लाई कर रहा है? किसके क्यूब के बीच में लाई कर रहा है? 1 क्यूब एंड 2 क्यूब के, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसके बीच में लाई कर रहा है. अब इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 1 है. सो इसका मतलब 10s प्लेस पे आपका 1 होगा और 1s प्लेस पे आपका 7 होगा. वो यहाँ से आता है. अब और करना सीखते हैं, थोड़े बड़े नंबर्स का करना सीखते हैं. दैट इज 12,167. 12,167. पेयरिंग करो पीछे से 3 डिजिट और यहाँ पे अब हमारे पास आ रहे 2 डिजिट. सो 167. 167 7 है. एंडिंग किससे हो रही है? 7 से. तो 7 पे कौन सा नंबर ऐसा होता है जो क्यूब है और एंड हो रहा है 7 से? वो है आपका 3 का क्यूब. 3 का क्यूब कितना होता है? 27. एंडिंग किससे हो रही है? 7 से. इसका मतलब योर वंस प्लेस इज 3. यहाँ से हमें पता चल गया कि वंस प्लेस क्या होने वाला है हमारे क्यूब रूट का? 3 होने वाला है. अब बारी आती है आपकी 12 किसके बीच में लाई करता है? इट लाइज बिटवीन 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब. अब 2 और 3 में छोटा कौन सा? 2 है. इसका मतलब 10th प्लेस पे क्या आ गया आपका? 2 आ गया. सो यू गेट क्यूब रूट ऑफ 12,167 एज 23. लेट्स डू द लास्ट वन दैट इज 32,768. अब इसकी भी पेयरिंग कर लो. पीछे है हमारे पास 768, आगे है हमारे पास 32. अब 768 एंडिंग किससे हो रही है? 8 से. अब 8 से एंडिंग हो रही है तो ऐसा कौन सा क्यूब होता है जो 8 से एंड होता है? दैट इज 2 क्यूब. 8 से एंड हो रहा है, इसका मतलब वंस प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद आपके पास है पहला नंबर, पहला नंबर क्या है 32। अब 32 किसके बीच में लाया करता है, 32 लाया करता है 3 क्यूब के बीच में एंड 4 क्यूब के बीच में, और 3 और 4 में से छोटा नंबर कौन सा है, 3 है। इसका मतलब टेंस प्लेस पे क्या होगा, इट विल बी 3। तो आपके पास 32 आ गए। क्यूब रूट ऑफ 32768 will be 32. So this is actually the guess method to find cube root. और इसको बोलते हैं cube root through estimation. या तो ऐसे आ सकता है जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, या तो आ सकता है estimate करके बताओ, estimation बताओ। So this is all about question number 3. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe.